नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व अहिंसा दिवस पर राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को किया गया याद, लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की हुई पूजा, मंदिरों के खुले पट। दुर्गा पूजा मेला के दौरान चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन ने किया नया ट्रैफिक रूट चार्ट जारी। और भागलपुर में अपराधी बेलगाम हथियार से लैस बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मनाए जाने वाले विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर जिले में कई जगहों पर महात्मा गांधी को याद किया गया। इसको लेकर 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। वहीं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी के लिए दिए गए अहम योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया गया, जबकि प्यार से उन्हें बापू भी कहा जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश दिया था। इधर भागलपुर के काजपली चेक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र और गांधी विचार विभाग में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना सभा और गांधी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जबकि इस दौरान स्कूलों में गांधी कार्यक्रम के तहत सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, जेपी विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने बापू को नमन कर उनके संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र गुप्ता, वासुदेव भाई, संजय कुमार तकी, अहमद जावेद समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के द्वारा बताए हुए जो सबसे बड़ा रास्ता है सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, हमारे छात्र छात्राएं शिक्षक उस चीज को अपनाए गांधी जी की। दूसरी चीज जो कहना है, अभी हम लोगों ने प्रार्थना की अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे, तो वैसी सोच जब बढ़ेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सभी को एक साथ मिल कर के करना होगा, तभी हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाएगा। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा है सबका साथ सबका विकास, व्हाट इट मीन्स सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी सेक्स के लोग एक साथ मिल कर के भारत के विकास के बारे में सोचें, विश्वविद्यालय के विकास में सोचे, तो सबका साथ सबका विकास है ना। ये जो गांधी जी का जो थाउट सा अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको समर्थ दे भगवान, सबको सुबुद्धि दे ईश्वर है ना, गिरजा गुरुद्वारा, ये सारी चीजें सब एक हैं। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन रविवार को मां दुर्गा के सप्तम स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से की गई। रविवार को जिले के सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा पूजा वेदी पर चढ़ाकर श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया। वहीं इसको लेकर सुबह से मां कालरात्रि की पूजा कर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया और पूरा शहर माता के भजन एवं जयकारे से गूंजता रहा। बता दें की धार्मिक मान्यता के अनुसार मां कालरात्रि की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन की सारी समस्या और बाधाएं दूर हो जाती है और माता का यह रूप अभय का वरदान देने वाला है। गधे की सवारी करने वाली मां कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला होता है और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। चार भुजाओं वाली मां कालरात्रि के बाल बिखरे हुए और ये गले में तेज चमकने वाली माला धारण करती है। इनके दो हाथों
में तेज कटार और काटा है, जबकि बाकी के दो हाथों से त्रिनेत्र धारणी माँ कालरात्रि शरणागतों को वर और अभयदान प्रदान करती है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्यराज चंड और मुंड के वध के लिए हुई और दैत्यों द्वारा युद्ध के ललकारे जाने पर माता का चेहरा काला और भौंहें टेढ़ी हो गई, जिससे वे विकराल सी प्रतीत होने लगी और काली का रूप धारण कर पूरे रण क्षेत्र में दैत्यों को मौत के घात उतार कर भक्षण करने लगी। इधर शहर के मारवाड़ी पाठशाला परिसर में नवयुवक संघ द्वारा इस बार बनाए गए पंडाल को अयोध्या में निर्मित होने वाली भगवान श्री राम मंदिर का रूप दिया गया है, जबकि इसके अलावा मुंदीचक, गढ़िया, दुर्गा मंदिर, आदमपुर चौक, कचहरी चौक, तिलका मांझी, बिकनपुर, मिर्जान हाट, दुर्गा मंदिर, अलीगंज, गुरहट्टा चौक, खंजेपुर, बरादी समेत जिले के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मेड़पति परिवार और पूजा समिति की ओर से धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। वहीं नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि को लगने वाले मेला की तैयारी भी पूजा समिति की ओर से की गई है, जबकि जिला प्रशासन के निर्देश पर आवश्यक इंतजाम करने का दावा भी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया गया। एक और जहां पूजा पंडालों में प्रतिमा को अंतिम रूप देकर साज सज्जा कर पूजा की जा रही है, वहीं शहर के बाजारों में भी खरीदारी के लिए लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। भागलपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर सुचारू यातायात के लिए 1 अक्टूबर से शहर में नई यातायात व्यवस्था लागू कर दी गई। इसको लेकर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक नई व्यवस्था के तहत ही बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए रूट चार्ट के अनुसार गाड़ियों की पार्किंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस के अलावा घंटाघर चौक से बड़ी पोस्ट ऑफिस के बीच सड़क किनारे होगी, जबकि इसके अलावा डिक्सन मोड़, कोयला डिपो, बस स्टैंड और भागलपुर रेलवे स्टेशन के समीप भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से कई जगहों पर बैरियर की व्यवस्था की गई है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर जिले के कई स्थानों पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, जबकि दुर्गा पूजा मेला को देखते हुए भागलपुर, कहलगांव अनुमंडल और पुलिस जिला नवगछिया में भी चिन्हित स्थानों पर मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। वहीं इसको लेकर एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर 24 घंटे के अलर्ट के साथ जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार अपराधी दिन दहाड़े बंदूक की नोक से लोगों को डरा धमका रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर मुजाहिदपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर के हरिजन टोला का है, जहां बदमाशों ने देसी पिस्टल लहराते हुए अपनी गोली का निशाना एक ग्राहक को बना लिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि हरिजन टोला निवासी स्वर्गीय वैश्यनाथ दास के पुत्र अनिल कुमार ने एक गाड़ी खरीद बिक्री की थी, जिसमें मनीष यादव को कमीशन देने की बात हुई थी और अनिल कुमार ने कमीशन के तौर पर मनीष यादव को 15,000 भी दिया था। बावजूद इसके मनीष यादव शनिवार की देर शाम अनिल कुमार के घर पर अपने भाई नीतीश यादव और अपने गुर्गों के साथ हथियार से लैस होकर पहुंचकर फिर से 20,000 कमीशन की मांग करने लगा, जिसके बाद अनिल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण मनीष यादव और उसका भाई नीतीश यादव देसी पिस्टल निकालकर गोली मारने की अनिल को धमकी देने लगा और साथ ही गोली चलाने की कोशिश भी की, लेकिन गनीमत यह रही कि कट्टा से गोली फायर नहीं हुआ, जिसके बाद मौके पर सैकड़ो ग्रामीण पहुंच गए। दहशत फैलाने को लेकर बदमाशों द्वारा गोली फायरिंग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही मुजाहिदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात करीब 12 बजे एक बदमाश मनीष यादव को नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के इलाके से उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर भागलपुर के एसएसपी बाबूराम ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर मुजाहिदपुर थाना पुलिस जांच के लिए गई थी और देर रात एक बदमाश मनीष यादव को गिरफ्तार भी किया गया है और इस घटना में शामिल अन्य बदमाशों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। Another round, living life, how loud we out.
wanna play. Too much danger in my headspace. Come and loot it by the politics. Wanna drink freedom till I'm sick. Blow off steam, baby, feel the air. Never going back in, just leave me here. आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप की पूजा के साथ जहां पूजा वेदी पर प्रतिमा चढ़ने के बाद माता मंदिर के पट खुल गए, वहीं भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में बनाए गए चर्चित और आकर्षक पंडाल अयोध्या के राम मंदिर पंडाल को देखने लोगों की खासी भीड़ जुट रही है। जबकि इसको लेकर सप्तमी से दशमी तिथि तक यहाँ भव्य मेला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर अयोध्या राम मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। अभी हम मौजूद है भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला प्रांगण में, और जैसा कि सभी को पता है कि अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है और नवरात्र की आज का सातवां दिन है। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जा रही है और भागलपुर में मारवाड़ी पाठशाला में प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ विशेष रूप से पंडाल का निर्माण किया जाता है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। और इस बार भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला प्रांगण में भगवान राम का अयोध्या में बन रहा जो भगवान का राम का जो मंदिर है उसका प्रतिरूप यहाँ पर तैयार किया गया। हालांकि वहाँ मंदिर फिलहाल बन रहा है, अभी उसका उद्घाटन होना बाकी है और अगले वर्ष उसका उद्घाटन होने की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन उसके पहले ही लोग यहाँ पर उसके एक प्रतिरूप देख सकते हैं। और यहाँ प्रतिरूप बनाया गया है और इससे संबंधित कुछ जानकारी जो भी है वो हम संस्था के यहाँ लोग जो सचिव हैं उनसे जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है और किस तरह की तैयारी है इसको लेकर के। जी, किस तरह की तैयारी और क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये कि हर साल हम लोग कुछ ना कुछ लेके आते हैं नया। इस बार राम मंदिर तैयार होने का पहले हमने लोग राम मंदिर तैयार करके आदमी को दिखाया। बहुत आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे बोल के उन लोग को भागलपुर में ही दिखाई दे रही पहला बार। और दूसरा है कि हम लोग हर साल एक पूजा विसर्जन करके दूसरा पूजा का सोच रखते हैं, इसीलिए हम लोग पहले से सब चीज़ कर लेते हैं। क्या कुछ विशेष तैयारियाँ हैं मेला वगैरह से संबंधित? मेला वगैरह सब जैसा हम लोग का रहता है उस तरह से, लेकिन कोई प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाते काहे कि हम लोग का यहाँ इतना ज़्यादा रस होता है जो उसमें प्रोग्राम होने का कोई ही नहीं होता। तो आपने देखा कि ये एक लोग पहले दर्शन कर लें जो मंदिर बनने से पूर्व उसकी छाया लोग यहाँ देख लें, इसके लिए विशेष रूप से बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो यहाँ दृश्य तैयार किया गया है और भगवान राम का भी चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से, और मेला की भी खासी यहाँ तैयारियाँ की गई है। आज सप्तमी की पूजा है और अष्टमी नवमी और दसवीं को विशेष रूप से मेला का आयोजन होता है और उसको लेकर के लगातार लोगों की भीड़ भी यहाँ जुटती है। अभी हालांकि आप दिन का समय है तो लोगों की कम भीड़ देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे रात होगी, वैसे वैसे वहाँ भीड़ भी लगातार बढ़ती जाती है और उसके बाद यहाँ पर कदम रखना तक मुश्किल होता है। न सिर्फ भागलपुर शहरी क्षेत्र के बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेला का आनंद लेने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए। यहाँ जो पंडाल निर्माण किया जाता है उसका
दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। और आप पूरी तरह एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि पूरे किस तरीके से आकर्षक ढंग से पंडाल का निर्माण किया गया है और कोलकाता के विभिन्न जगहों से यहाँ पर जो कारीगर आए हैं उनके द्वारा किया गया है। तो ऐसा समिति की ओर से बताया गया कि कोलकाता के कई जगहों से यहाँ पर कारीगर आए हैं और उनके द्वारा इस भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी यहाँ कई तरह आकर्षक और चर्चित दृश्य तैयार किए जा चुके हैं, तो इस बार का खास जो है यह आकर्षण का केंद्र है भगवान राम, अयोध्या में बन रहा जो भगवान राम का मंदिर है और उसको लेकर के लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल टीवी, भागलपुर। भागलपुर सुल्तानगंज के नगर परिषद कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार और नगर परिषद के कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के तेलचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और उन लोगों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की बात कही। उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत गंगा टाउन रैंकिंग में सुल्तानगंज को देश एवं बिहार में बेहतर रैंकिंग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नगर परिषद के सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर अधिकारियों ने सम्मानित किया, जबकि सभी अधिकारियों और नगर परिषद के कर्मचारियों ने पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में चौथा रैंक आने पर सुल्तानगंज कार्यपालक पदाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया। भागलपुर के एकचारी में गांधी जयंती के अवसर पर रूरल फ्यूचर फाउंडेशन के द्वारा ग्राम पुस्तकालय और सूचना केंद्र रसलपुर में ग्रामीण छात्रों के लिए गांधी जी के प्रिय भजनों और उनके कुछ मुख्य आंदोलन के बारे में बच्चों के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान रूरल फ्यूचर फाउंडेशन के फील्ड कोऑर्डिनेटर अनुज कुमार ने छात्रों के बीच महात्मा गांधी की करुणा, आज़ादी में उनकी भूमिका और बापू के विचारों पर चर्चा करते हुए युवाओं को जागरूक किया। इसके बाद बच्चों को उत्कृष्ट भाषण के लिए पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व अहिंसा दिवस पर राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को किया गया याद, लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की हुई पूजा, मंदिरों के खुले पट। दुर्गा पूजा मेला के दौरान चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन ने किया नया ट्रैफिक रूट चार्ट जारी। और भागलपुर में अपराधी बेलगाम हथियार से लैस बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।